हेलो हाय एंड नमस्कार सभी को। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सैमसंग के किसी भी डिवाइस में जो है विजेट, क्लॉक विजेट कैसे सेट करेंगे। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अल्टीमेट लगता है, मैंने भी खुद पर्सनली से सेट किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वीडियो को ध्यान से देखना और स्किप मत करना। सो दोस्तों, आपको एक विजेट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आपने उसे डाउनलोड करना है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आप देख लें कि उसे सेट कैसे करना है, क्योंकि उसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आपको करनी होगी। तो सबसे पहले जो मैं अपने विजेट में जाऊँगा, मैंने उसे इंस्टॉल कर लिया है। तो फर्स्ट नंबर पर अनदर विजेट नाम की एप्लीकेशन है, अनदर विजेट जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है, स्क्रीन पर छोड़ देना है। इस तरह छोड़ दिया, उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा। फिर आप जो है फर्स्ट रो टेक्स्ट साइज, इसको फर्स्ट रो टेक्स्ट साइज है, इसका जो साइज़ है छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर सेकंड रो टेक्स्ट साइज इसका भी साइज़ जो है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट कलर। विजेट फॉन्ट्स जो है आप फ़ोन के रखना चाहते हैं या फिर आप अपने जो आपके फ़ोन में फॉन्ट्स हैं उनका रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। टेक्स्ट शेडो जो है लो भी रख सकते हैं, आप हाई भी कर सकते हैं यहाँ से। तो बहुत ही ईजी है, आपने बस जिस तरह मैंने किया उस तरह आपने जो है इसे सेट करना है, उसके बाद छोड़ देना है। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आपने ऊपर को इसे उठाना है, उठा के जो है आपका विजेट जो है आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और आप भी जो है अपने फ़ोन में इसे इस तरह सेट कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।